जिंदगी की हकीकत को बस मैंने इतना ही जाना है, दर्द में अकेले और खुशियों में जमाना है। तो दोस्तों, आप आज मेरे इस शेर से इस हाले दिल का पहलू तो समझ ही गए होंगे कि खुशियों में जमाना है। और इसी पहलू को लेते हुए हमने आज अपने स्टूडियो में बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारे गेस्ट को बुलाया है। तो दोस्तों, आज जो गेस्ट हमारे साथ हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। कभी ज़िंदगी ने उनको खुशी दिखाई तो कभी ज़िंदगी ने उनको दुख दिखाया, मगर जब खुशियाँ आई तो उन्होंने अपने खुशियों को दोनों हाथों से समेट लिया और अपनी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दे दिया। तो जब जब उनके पास खुशियाँ आई तो उन्होंने खुशियों को अपने लिए नहीं रखा, उन्होंने दोनों हाथों से सबको बांटा, उन खुशियों का हिस्सेदार बनाया, सबको अपने साथ जोड़ते हुए। आइए जानते हैं कैसे वो अपनी इन खुशियों को बांटती हैं। तो आइए स्वागत करते हैं संदीपा सलूजा का अपने स्टूडियो में इस हाले दिल के सफ़र में। तो संदीपा, मैं आपका वेलकम करती हूँ हाले दिल के इस एपिसोड में, और मैं चाहूँगी कि आप किस प्रोफेशन में हैं और आप किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, तो ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। थैंक्स डॉक्टर अंजुमन। मेरी जर्नी बड़ी सिंपल रही है। मेरे को स्टार्टिंग से था कि मैं कुछ करूं, कुछ नाम बनाऊं, और मेकअप मेरे को बहुत अच्छा लगता था, किसी को मेकओवर करना, किसी को लुक्स चेंज करना। मैं एक बार ट्राई करती हूं कि मुझे क्या रिस्पॉन्स आएगा, लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे कि नहीं। फिर मैंने एक चेयर से स्टार्ट करा, डे बाय डे क्लाइंटेज ज्वाइन होती गई, मुझे एड ऑन होती गए। जितने लोग वर्क करवाते, जितने लोग मेकअप हेयर स्टाइलिंग करवाते, वो और दो तीन को लेकर आते और बोलते कि इनसे करवाओ, बहुत अमेजिंग करते हैं और आपका बिल्कुल लुक्स चेंज कर देते हैं। तो संदीपा, मैं आपको बहुत अरसे से जानती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि आप एक बहुत सुंदर व्यक्तित्व रखती हैं, सबका भला चाहती हैं, सबका अच्छा चाहती हैं, सबको कुछ बनाना चाहती हैं और किसी मकाम पर लेके आना चाहती हैं। जब प्रभु ने आपको इतनी खुशियाँ दी, आपके हाथ में आपका काम को सराहा जा रहा था, आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे थे, लोग आपसे कुछ सीखना चाह रहे थे, तो किस प्रकार से आपने उन खुशियों को अपने साथ साथ औरों में भी बांटा? जब मैं सैलून रन कर रही थी, मैंने स्टार्टअप किया, तो मेरे पास दो गर्ल्स ऐसी आईं जो बिल्कुल अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी, बिल्कुल फ्रेश थी। मेरे को था मैं इनको सिखाऊँ कुछ, जितना टाइम भी मेरे पास है, मेरे से जितना सीख सकती हैं और अपना वर्क, अपना फ्यूचर आगे बना सकती है, तो मैं इनको सिखाऊँ। मैं खुद तो काम करती रही, आगे बढ़ती रही, लेकिन मुझे मेरे को देख के उन बच्चों को बड़ा अच्छा लगा। वो बच्चे मुझे देख के मेरे को बोलते थे कि दीदी, हमें भी आप सिखाओ, जैसा आप वर्क करते हो हमें भी आना चाहिए, हमें आप सिखाओ। मेरे को फिर ये लगा कि मैं तो आगे जाऊंगी, लेकिन ये बच्चे और कहीं इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते कि कोर्स करने के लिए इतना पे करें। मुझे था मैं इनको आगे लेके जाऊं, और मैंने इनको फिर पूरी तरीके से अपना समझ के विदाउट पे लिए इनको आगे लेके गई और इनको सिखाना शुरू करा। फिर वो दो बच्चे सेट हो गए। फिर मुझे ये लगा कि मैं ऐसे और बच्चों को भी सेट कर सकती हूँ, जो मेरे में टैलेंट है मैं उनको दे सकती हूँ। मतलब मैं तो काम करूँगी ही, वो बच्चे भी कुछ आगे बढ़े, अपना नाम बनाए, काम करें और कुछ अर्न करें। मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ, मनोवैज्ञानिक होने के नाते आज दर्शकों में आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी। संदीपा ने जिस तरीके से हमें बताया कि उसने दो लड़कियों को की रेस स्टार्ट करते हुए, लोगों को निष्काम भावना से, कोई स्वार्थ ना रखते हुए मदद करने की कोशिश करी और चाहा कि जिस प्रकार उसको खुशहाली मिल रही है, जिस प्रकार वह ऊपर उठ रही है, वो कुछ ऐसे लोगों को भी उठाने की कोशिश करे, एक जज्बा लेकर कि जिस प्रकार खुशियां मेरी जिंदगी में आई, मैं औरों के लिए भी कुछ खुशियां बांट सकूं, उन्हें दे सकूं। शायद संदीपा की वजह से ही आज वो लड़कियां सेट हैं, उनके घरों में चूल्हे चल रहे हैं और वह आज किसी मकाम पे पहुंच सकी हैं। तो जब हम निस्वार्थ होकर औरों का सोचते हैं, औरों का भला सोचते हैं, तो प्रभु की दृष्टि हम पर बिल्कुल सही टाइम पर आती है।
तो संदीपा, जहां आप इतनी प्रोग्रेस कर रही थी, एक हेयर स्टाइलिस्ट, एक मेकअप आर्टिस्ट आप बन चुकी थी, औरों की मदद कर रही थी, और आपके अंदर निस्वार्थ भावना थी कि मैं सबको कहीं ना कहीं किसी मकाम पे पहुंचाऊं, तो आपकी इस टाइम पर निजी जिंदगी में क्या चेंजेस आए? आई थिंक सारे दर्शक जानना चाहेंगे ये चेंजेस। मैंने कंसीव किया हुआ था और मेरे दो ट्विंस बेबी हुए, लेकिन उनको टाइम देना बहुत ज़रूरी था। मैं ज़्यादा ब्रेक भी नहीं ले सकती थी, जो बच्चे मेरे पास हैं उनको आगे भी लेके जाना है मुझे, तो इसलिए मैंने थोड़ा कम ब्रेक लेके अपना वर्क कंटिन्यू रखा, जिससे वो बच्चे भी आगे चलते जाएं, उनकी लाइफ में भी ब्रेक नहीं आए। तो मेरे लॉज, मेरे हस्बैंड एंड मेरे मदर लोग बहुत सपोर्टिंग थी, उन्होंने बोला इसके लिए हम आपके साथ हैं, आप अपना वर्क देखो, हम बच्चों को आपके साथ मैनेज करेंगे। मेरी निजी ज़िंदगी में बड़े चेंजेस आए थे, मैंने कंसीव किया, मेरे को दो ट्विंस बेबी आए, और उधर सैलून का वर्क भी बहुत बढ़ रहा था, तो दोनों को मैनेज करने में थोड़ा सा मेरे को टायर्डनेस और थोड़ी सी जद्दोजहद तो करनी पड़ी, लेकिन मेरे लॉज ने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया। संदीपा, आपको ट्विंस हो गए, अब आपको दोहरी जिंदगी जीनी पड़ रही थी, जहाँ पे आपके एक तरफ ट्विंस हो गए वहाँ आपके पार्लर का काम भी सफ़र कर रहा था, बिकॉज आपकी वहाँ प्रेजेंस नहीं थी। तो इस जद्दोजहद में, इस तकलीफ में, जहाँ पे आपको दो चीज़ें बैलेंस इकट्ठी करनी थी, क्या आपकी उस टाइम दिमाग की हालत क्या सोच रही होगी उस टाइम पर, आपने किस प्रकार से इस दुविधा को बैलेंस करने की कोशिश की? डॉक्टर अंजुमन, बच्चे हुए उनका टाइम, उनको मैं ज़्यादा टाइम दे रही थी, अब मेरा पूरा ध्यान बच्चों की तरफ ही था कि बच्चों को मुझे पूरा टाइम देना है, लेकिन कहीं ना कहीं सैलून भी इग्नोर हो रहा था। फिर एक रात मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया कि हमें क्या करूँ, मैं क्या करूँ कि बच्चों को तो मुझे देखना ही है, लेकिन सैलून को भी देखना ज़रूरी है, जो मेरे पास हैं, जिनके घर मेरे सैलून से चल रहे हैं, तो उनको मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, मुझे दोनों तरफ देखना है। मेरे हस्बैंड ने बोला तुम इस में अकेली नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। बच्चों की फिर जो मेरी जिम्मेदारी थी, बच्चों को पूरा टाइम देना, उनका ध्यान रखना, उनका पालन पोषण, लेकिन मेरी मदर लो हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया उसके लिए कि मैं अपना टाइम सैलून को भी दे सकूं और उन जो मेरे ऊपर डिपेंड है उनके घर भी चलते रहे। तो दोस्तों देखिए, संदीपा जहां नई नई माँ बनी थी, जहां उसके खूबसूरत ट्विंस हुए थे, उसने किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को बैलेंस किया, कितना ज़रूरी था उसके लिए बैलेंस करना। उसने ना केवल अपने बच्चों को बैलेंस किया, लेकिन उसने उन बच्चों का भी सोचा जो अपने घर में पूरी उम्मीदें लेकर संदीपा के पास आते थे। कितनी इंसानियत से भरी, वो चाहती तो अपना सैलून काफ़ी देर तक बंद भी कर सकती थी, क्योंकि फैमिली का कोई भी प्रेशर नहीं था, लेकिन संदीपा की सोच थी कि जहाँ मैं अपना अच्छा सोच रही हूँ, मैं औरों का भी अच्छा सोचूँ, मेरे पर जितने लोग निर्भर हैं वह भी कुछ कर सकें, कुछ पा सकें, कुछ बन सकें। तो संदीपा, अब आपने जोरों शोरों से अपने इस सैलून पे ध्यान देना शुरू कर दिया, क्योंकि आपकी निजी ज़िंदगी बहुत बैलेंस थी और उसकी जिम्मेदार आप खुद थी। फिर मेरे को लगा मैं अब और अपग्रेड हूँ, मैंने स्किन पे काम करना शुरू किया, एडवांस और वर्क मेकअप हेयर स्टाइलिंग में और एडवांस सीखना शुरू करा, और ज़्यादा मैंने एडवांस चीज़ें सैलून में लाई, टेक्नोलॉजी लाई कि हम और बेस्ट भी करें। जहाँ संदीपा आप नई नई चीज़ें ट्राई कर रही थी, जहाँ जहाँ आप नई नई इनोवेशंस टेक्नोलॉजी की सीख रही थी और सिखा रही थी, आपके मन में कभी कभी ऐसी दुविधा, कभी कभी ऐसा डर नहीं आया कि जिन लोगों को आप प्रेरित कर रही हैं, जिन लोगों को आप सिखा रही हैं, जो लोग आपके पार्लर से सीख रहे हैं, क्या वह आपके कॉम्पिटिशन में आ जाएंगे, आपके साथ कॉम्पिटिशन में आके खड़े हो जाएंगे, ऐसा कुछ डर, ऐसा कुछ फेयर आपके दिमागो दिल में कभी आया? जब मैं सिखा रही थी या जब बच्चे मेरे से सीखते हैं, मेरा हमेशा यही रहता है मेरी किस्मत में जो है ना वो मुझे ज़रूर मिलेगा, वो मेरे से कोई छीन ही नहीं सकता। प्लस अब बच्चे भी यही बात रिपीट करते हैं, मैम आपकी बातें हमें बड़ी याद आती हैं, कंपटीशन तो ज़रूर मेरे साथ वो खड़े होना चाहे, लेकिन मैम हम उनको ये लगा कि मैम ने हमेशा ये बात बोली है कि हमारी किस्मत कोई नहीं छीन सकता। मार्केट में इतने कॉम्पिटिशन हैं, 10 सैलून और हैं, अगर उन्होंने भी एक खोल लिया या वो भी एक रन कर रहे हैं तो कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, तो मैं और बेस्ट वर्क करूँगी। बच्चे जब आगे बढ़ रहे थे तो उनको देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता था,
और वो भी बहुत बोलते थे कि दीदी आपकी वजह से हम यहाँ पहुँचे हैं। मुझे भी अच्छा लगता था कि मैं तो आगे बढ़ ही रही हूँ, मेरे साथ वो बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं। अगर मार्केट में अगर 10 सैलून हैं या वो और आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे और कंपटीशन में काम करने में मज़ा आएगा कि मैं और कितना अच्छा कर सकती हूँ, कितना बेस्ट दे सकती हूँ अपने क्लाइंट्स को। तो दोस्तों, संदीपा की इस जर्नी हाले दिल में जो चीज़ें मेरे को समझ आ रही हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट, उनमें सबसे अहम बात क्या है कि हम कभी भी किसी की किस्मत नहीं ले सकते। प्रभु सबको अपनी किस्मत देते हैं और वो किस्मत के लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। नंबर दो, जब हम किसी के साथ कंपटीशन में आते हैं तो हमें और प्रोत्साहन मिलता है, तो मुझे लगता है वो एक हेल्दी कंपटीशन होता है। और तीसरी बहुत अहम बात जो पूरी डिस्कशन में आज इस हाले दिल के सफ़र में हमारे को पता चली है संदीपा से, कि जब हम किसी को बढ़ावा देते हैं, जब हम किसी के मदद का कारण बनते हैं, तो एक अंतर आत्मा की खुशी मिलती है उसे ऊपर बढ़ाने की। तो जब हमारे अंदर इस तरीके की खुशी आती है तो हमारा अपना काम चौगुना बढ़ जाता है, हम खुद इतने खुशहाल होते हैं। और जहां खुशहाली होती है वहां पॉजिटिविटी होती है, जहां पॉजिटिविटी होती है काम अपने आप खिंचा चला आता है। तो संदीपा, आपके इस हाले दिल के सफर से मैंने अपने दर्शकों को आपके बारे में, आपकी निजी जिंदगी के बारे में, आपकी पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में तो बहुत कुछ बताया, बट अब मैं जानना चाहूंगी कि आपके पास अपने सैलून में किस किस तरीके के कस्टमर्स आते हैं और उनकी क्या डिमांड्स होती हैं, और साथ में आजकल आप क्या लेटेस्ट कर रही हैं जिससे आप इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अलग हैं, हटके हैं। मैं मेकअप आर्टिस्ट तो बहुत टाइम से ही हूँ, मेकअप हेडू मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग तो बहुत टाइम से ही मैं बुक कर रही थी। अब मैंने ये सोचा कि मेकअप हेयर स्टाइल तो हमें पार्टी के लिए चाहिए, अब मुझे स्किन पे काम करना चाहिए जो हमें डेली दिखनी है। तो मैं अब स्किन पे बहुत अच्छा काम कर रही हूँ और स्किन को और आगे लेके जा रही हूँ कि स्किन कैसे हेल्दी हो सकती है। स्किन ट्रीटमेंट कर रही हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो स्किन में उसको केयर करना, स्किन को कैसे केयर करना है, स्किन कैसे हेल्दी हो जाएगी, और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ स्किन ट्रीटमेंट कर रही हूँ। जब संदीपा आप एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करती है, तो आपका एडवांस टेक्नोलॉजी से क्या मतलब है? अभी भी कई सैलून में जाते हैं तो वही वो पुराना फेशियल स्टेप लेते हैं, मसाज करी, स्क्रब करा, स्किन पे पैक लगाया, हो गया आपका स्किन क्लीन। मसाज हर कोई परफेक्ट नहीं करता, मतलब मसाज करने से सिर्फ रिलैक्सिंग होगा, आपका ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। स्किन में कोई प्रॉब्लम है तो वो ट्रीटमेंट से ही ठीक होगी, वो मसाज करने से ठीक नहीं होगी। तो हम गैजेट का सहारा लेना पड़ता है, हम एडवांस गैजेट लेते हैं जिससे हम स्किन को रिपेयर करते हैं, पिगमेंटेशन, एक्ने, कोई स्किन में प्रॉब्लम हो, स्किन ऑक्सीजन स्किन को चाहिए, स्किन पे ग्लो चाहिए, तो वो एडवांस गैजेट के साथ ही में हम कर पॉसिबल हो पाता है। वो हाथ से काम करने से नहीं पॉसिबल हो सकता या घर के ट्रीटमेंट से नहीं पॉसिबल हो सकता, उसके लिए हमें गैजेट चाहिए। जब भी मैं कोई नया गैजेट लाती हूँ तो मैं अपने क्लाइंट्स को बुलाती हूँ कि एक बार आप ट्राई करो और उसकी डेमो लो और उसका रिजल्ट देखो कि कैसा है। फिर मेरे क्लाइंट मुझे आके बोलता है, नहीं मुझे अच्छा लगा, इतनी लास्टिंग थी उसकी स्किन में, इतना ग्लो रहा और मेरी पिगमेंटेशन भी कम हुई। तो फिर मैं वो गैजेट अपने सैलून में लाती हूँ और फिर जब मेरे क्लाइंट बोलते हैं कि नहीं मुझे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा लगा, तो फिर मैं उस चीज़ को, उस गैजेट को अपने सैलून में रेगुलर पार्ट बनाती हूँ और सबको भी सजेशन देती हूँ। मतलब इम्प्रूवमेंट दिखती है मुझे भी और मुझे भी सेटिस्फेक्शन होती है कि मेरे यहाँ से उसकी पिगमेंटेशन ठीक हो गई, उसको ये इम्प्रूवमेंट मिली। जब वो मुझे आके बताते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, संदीपा के सफर से हमने जाना कि किस प्रकार संदीपा ने अपने आप को सेल्फ मोटिवेट हमेशा किया, अपने लिए तो किया ही लेकिन औरों का भी सहारा बना, हर तरीके से हर मकाम पे उन्होंने सबकी मदद करने की कोशिश करी। तो दोस्तों, संदीपा पर्दे के सामने जितनी खूबसूरत है, वह पर्दे के पीछे भी उतनी ही खूबसूरत है, बहुत ब्यूटीफुल सोल है। इनसे मिलने के लिए, इनको संपर्क करने के लिए इन नंबरों पे कांटेक्ट कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ इस हाले दिल के सफर में।